तवांग के लोगों की खुशियों को दुगनी करते हुए ताकीन, जो कि एक दुर्लभ और मायावी जानवर है, को तवांग जिले के प्राचीन बनगजांग क्षेत्र में देखा गया है। गाय और बकरी दोनों की विशेषताओं को मिश्रित करने वाली अपनी अनूठी उपस्थिति के लिए जाने जाने वाले इन शानदार जीवों ने वन्यजीव प्रेमियों और शोधकर्ताओं को आश्चर्यचकित कर दिया है। जिमतांग सकल में कुछ ही दिन पहले टाकिंस को पहली बार टाकसांग और शॉक्सिन क्षेत्र में भी देखा गया था। भारत चीन सीमा की ओर तवांग का अंतिम प्रशासनिक प्रभाग जिमतांग समृद्ध जैव विविधता वाला एक रणनीतिक रूप से स्थित क्षेत्र है। उबड़ खाबड़ इलाका और ऊंचाई वाली आर्द्र भूमियां इन आकर्षक जानवरों के लिए एक आदर्श आवास प्रदान करती हैं। तवांग में ताकिन की मौजूदगी उनके प्रवासन पैटर्न के बारे में दिलचस्प सवाल उठाती है। भूटान में ताकिन को राष्ट्रीय पशु माना जाता है। भूटान की सीमा तवांग से लगती है और ऐसा माना जाता है कि भूटान के वन्यजीव अभयारण्यों में छोड़े गए कुछ ताकिन एक संभावित वातावरण को महसूस करते हुए तवांग में चले आए होंगे। ये राजसी जीव जंगलों के साथ साथ चट्टानी घास से ढके अल्पाइन क्षेत्रों में पनपने के लिए जाने जाते हैं, जो ऊंचाई के बीच संक्रमण करते हैं। ताकिन की कथा भूटानी धार्मिक इतिहास और पौराणिक कथाओं में गहराई से निहित है। स्थानीय मान्यताओं के अनुसार ताकिन की रचना लामा ड्रुकपा कुनलन ने की थी। एक बकरी के सिर को गाय के कंकाल के साथ मिलाने के उनके चमत्कारी कार्य के परिणाम स्वरूप एक अनोखा प्राणी सामने आया, जिसे आज हम ताकिन के नाम से जानते हैं। तवांग के पर्यावरण और वन्य जीवन की रक्षा के लिए अथक प्रयास करने का श्रेय समुदाय आधारित संगठनों और गैर सरकारी संगठनों को जाता है। उनके प्रयासों ने इस उल्लेखनीय प्रजाति के संरक्षण में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। आइए तवांग की समृद्ध जैव विविधता का जश्न मनाएं और अपने बीच में इन रहस्यमय ताकिन की उपस्थिति को संजोना जारी रखें। याद रखें, प्रत्येक दृश्य प्रकृति के नाजुक संतुलन का प्रमाण है। आइए सुनिश्चित करें कि उनका आवास बरकरार रहे और उनके प्रवासी मार्ग अबाधित रहें। धन्यवाद।